हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। आइए आज किचन से हटकर थोड़ा अपने बालों के बारे में बात कर ले। जी हाँ, आज मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को, मतलब शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही अच्छा रेमेडी, हेयर रेमेडी, हेयर टॉनिक बोल लीजिए या फिर टोनर बोलिए, जो आपके बालों में एक नई जान ला देगा। मेरे बाल भी बहुत रूखे सूखे, बहुत बेजान हो गए थे, जो ये यूज करने के बाद मुझे काफ़ी फर्क दिखा है। तो मुझे लगा ये आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। और ये टोनर बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल, और जो भी आपके घर में सामान पड़ा हुआ है उसी से बन जाने वाला है। इसके लिए आपको कुछ बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में बहुत ही आराम से बना सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं ये क्या है, और इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक सॉसपैन में एक गिलास पानी गर्म कर रही हूँ, और अब हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून कलौंजी, इसको मंगरेला भी बोलते हैं या अनियन सीड्स भी बोलते हैं, और साथ ही डालेंगे एक चम्मच मेथी फेनुग्रीक। अब आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकने दें, जिससे इसका सारा गुण इस पानी में आ जाए, और आप गैस को बिल्कुल सेम करके रखेंगे और पानी को इतना उबालें कि जब तक हमारा पानी बिल्कुल आधा से भी आधा ना रह जाए। मतलब हमें तीन हिस्सा पानी बिल्कुल ये पकाते हुए उड़ा देना है और एक हिस्सा पानी बचना चाहिए। तो इसको अभी पकने देते हैं। इसको पकने में लगभग 10 मिनट तो बहुत आराम से लगेगा। और ये मेथी तो बिल्कुल गुणों का खजाना ही है। ये मेथी तो हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें आयरन है, प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके बालों में एक वॉल्यूम ऐड कर देगा, आपके टूटते झड़ते पतले बालों को बहुत ही मजबूती देगा, लंबा करेगा, घना करेगा। ये कलौंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे बालों को जड़ से मजबूत करता है और हमारे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी रोकता है, और नए बाल उगाने में हेल्प करता है। जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उन्हें तो ये ज़रूरी यूज करना चाहिए। जिसके नहीं भी झड़ रहे हैं उनको भी ये टोनर ज़रूर यूज करना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब मेथी और कलौंजी के सारे गुण इसमें आ गए हैं। पानी भी हमारा बहुत ही रिड्यूस हो गया है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब इसको ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, आइए इसको छान लेते हैं। ये हमने छान लिया है, और ये जो आपका बच गया है इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इसको आप मिक्सी के जार में खूब अच्छी तरह से पीस लें, और दही और थोड़ा सा नारियल का तेल या आप जो भी तेल यूज करते हो मिला करके पैक की तरह बालों में लगाएं, और आधा घंटा या 45 मिनट रख कर, अभी विंटर है तो आप कुछ देर रखें, रख करके आप इसको सिंपल पानी से धो लें, आपको पहली बार से ही आपके बालों में फ़र्क दिखेगा। अब आप कोई सा भी इस तरह का एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए और इसमें इस टोनर को डाल देंगे। इसको भर के आराम से डाल के रख लें, नहीं है तो आप किसी कंटेनर में भी रख सकते हैं, और इसमें फिर आप कॉटन बॉल्स की मदद से आप पूरे स्कैल्प में लगा सकते हैं। और इस स्प्रे को आप इस तरह से पार्टीशन करते हुए पहले स्कैल्प में स्प्रे कर लें सब तरफ, उसके बाद आप पूरे लेंथ में भी कर सकते हैं, और इसको यूं ही आप सूखने दें, अपने आप से सूखने दें। इसको आप 2 से 3 बार भी दिन भर में यूज कर सकते हैं, इसको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फुली वाटर बेस्ड है तो किसी तरह का स्मेल या कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको अनईजी लगे या कुछ ऐसा लगे तो आप सुबह सिर्फ पानी से वॉश कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिनको ज़रूरत है फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।